चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। लवली लवली माइक ऑफ कर लीजिए आप, लवली आप माइक ऑफ कर लीजिए। ओके हाँ बेटा, मैं पहले स्टार्ट करता हूँ, जब बच्चे जुड़ जाते हैं तो आपको मैं डाउट लेता हूँ। ओके जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस देखेंगे बेटा। सबसे पहला ही है ये, निर्देशित गुणनफल परिभाषित कीजिए। बताइए इसमें कोई गुणनफल में परिभाषित करने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? 1 2 3 2 2 3 4 है तो गुणन में ये देखा जाता है कि पहले वाले का जो ऑर्डर है, पहले वाले का जो क्रम बन रहा है बेटा वो कितना बन रहा है, ध्यान से देखिए। पहला वाला बन रहा है 3 क्रॉस 1, 3 रो 1 कॉलम, 3 पंक्ति 1 स्तंभ। और अगला वाला जो है वो बन रहा है कितने का, 1 क्रॉस 3 का, ठीक है ना। तो गुणन परिभाषित होने के लिए ये दोनों मैच करना चाहिए, पता है ये बात आप लोग को, ये यस सर। मैच करना चाहिए। तो यस इसमें मैच हो रहा है मतलब इसका गुणन हो जाएगा, तो गुणन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से इसका गुणन है ना, प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ, प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ, प्रथम पंक्ति तृतीय स्तंभ, और इस तरीके से कर लेंगे। बोलो कोई प्रॉब्लम इसमें? ये फाइल आपको मैंने ग्रुप में दे रखी है, डाउनलोड कर लीजिए आप लोग, यदि डाउनलोड करना है सभी को तो डाउनलोड कर सकते हैं, फाइल ग्रुप में मैंने बना के दे रखी है। ओके पेज नंबर 30 पे आ जाइए। और चलिए क्लियर, समझ में आ गया। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। हाँ भाई मैंने आपसे सवाल किया, समझ में आ गया, जवाब दीजिए निखिल एंड निहाल। यस सर आ गया। ओके यस इतना जरूर बोलिएगा, फीडबैक मिलता रहे, बच्चे क्लास में जुड़े तो रहें। ए और बी का मल्टीप्लाई करना है, दोनों में ए बी का मान ज्ञात करना है, कोई प्रॉब्लम होगी क्या इसमें? ए और बी का गुणन करना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बन जाएगा ना? यस सर। ओके ए और बी का इसमें गुणा करना है तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना, इसको बड़े आराम से आप गुणा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। देन इसके बाद सरल करना है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में भी आया था। तो क्या करेंगे, पहले कॉस थीटा का गुणा कर देंगे, फिर उसके बाद साइन थीटा का गुणा कर देंगे और दोनों को जोड़ करके एडिशन कर देंगे। तो इसका आंसर तो डायरेक्टली याद तक हो चुका होगा, इसका आंसर आता है 1001, जिसको हम आई कहते हैं। ओके ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अवयव में 8 अवयव हैं तो इसके संभवतः क्रम क्या हो सकते हैं? तो भाई 8 अवयव है मतलब m और n का जो गुणनफल है वो क्या प्राप्त होना चाहिए, 8। तो m और n का गुणनफल 8 कहाँ कहाँ प्राप्त हो सकता है, 1 क्रॉस 8 8 क्रॉस 1 4 क्रॉस 2 2 क्रॉस 4। बोलो क्लियर, बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये देखिए, इसको कैसे करोगे बताओ भाई सूरज, कैसे करोगे इसको? निहाल कैसे करोगे जल्दी बताओ, नहीं आता सर। ये जो 2a + b = 4 कर लेंगे अपन, बाजू में ले लेंगे 4। और तो सर एक, फिर अपन a का मान निकाले b का मान निकाले थे तो 2 को उस साइड भेज देंगे सर। अरे बेटा ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। देखो 2a + b = 4, दो इक्वेशन बनेंगे यहाँ पे, 4 इक्वेशन बनेंगे। पहला इक्वेशन इसका बनेगा, पहला समीकरण जो इसका बनेगा ये देखो, ये बना हुआ है 2a + b = 4, क्योंकि ये इससे कंपेयर होगा, a - 2b = 3। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करोगे तो इससे सॉल्व करने पर किसकी वैल्यू आएगी, a की और b की, और फिर इन दोनों को सॉल्व करोगे इसको और इसको तो इससे c की और d की वैल्यू आएगी। अब आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन, यदि a एक वर्ग आवयु है इस प्रकार की a² = a, तो 7a - ai + a का होल क्यूब का मान ज्ञात की। चलो जल्दी इस कॉपी में करो इसको, देखो a² = a दिया हुआ है तो 7a - ai + a का होल क्यूब का मान आपको बताना है। चलो करो, कैसे करेंगे? सेवन ए माइनस आई प्लस ए का होल क्यूब का मान बताना है। बन रहा है, लवली बेटा आ रहा समझ में? यस सर। ओके करते जाओ।
चलिए बताइए कहाँ पर नहीं समझ में आया ये, कहाँ पर डाउट है इस क्वेश्चन में बताओ कि बन गया। देखिए यहाँ पर अगर आप पूछेंगे फॉर्मूला कौन सा लगा है बेटा, तो फॉर्मूला एक ही लगा है यहाँ पे, ए प्लस आई प्लस ए के होल क्यूब में फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी। एक तो ये आपको सूत्र लगाना है, तो ये सूत्र लगाइए बड़े आराम से, इससे हो रहा है। हाँ जी जवाब दीजिए बच्चों, बना कि नहीं बना, फाइनल कॉल दीजिए, बना कि नहीं बन रहा। सर ये थर्ड लाइन में 3 ए आई लिखा सर, उसकी जगह ए क्यों रखे अपन? देखो बेटा आई इंटू ए, आई का मतलब क्या होता है मैट्रिक्स की भाषा में, आई का मतलब वन होता है। अगर किसी भी मैट्रिक्स में आप आई का मल्टीप्लाई करें या आई में ए का मल्टीप्लाई करें बेटा, तो ये कितना आता है, ए ही आता है। जैसे मैथ्स में अगर आपके पास कोई नंबर है एक्स, तो अगर आप x में 1 का मल्टीप्लाई करते हो तो x 1 जा x आता है ना। मैथ्स में अगर आपके पास कोई नंबर है x, तो x इंटू 1 करोगे तो कितना आता है, x आता है। ऐसे कोई मैट्रिक्स है a और a में i का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है, a आता है। क्लियर हुआ? सर तो इसलिए उसको 3 i a को 3 a कर दिया है, और 3 a स्क्वायर है और a स्क्वायर की वैल्यू 1 इक्वल है, तो a स्क्वायर इक्वल टू a, तो 3 a + 3 a हो गया 6 a, 6 a + 1 इक्वल टू 7 a, 7 a इसको ओपन कर दिया, 7 a से 7 a कैंसिल, आंसर आ गया -i। चलिए निहाल बन गया, यस सर निखिल क्लियर है, यस सर ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला चैप्टर है सांतत्य एवं अवकलनीयता, जिसका आप सवाल भी पूछने वाले हैं। चलिए तो इस पर सवाल करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एक्स माइनस वाई बराबर पाई है भाई, बेहद इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या बोलूँ मैं, कुछ करना ही नहीं है, बस सीधे डिफरेंशिएट कर दो, अवकलन कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सर चलिए अगला क्वेश्चन है, एक्स इक्वल टू 1 पर फलन के सांतत्य की जांच कीजिए। तो बेटा सांतत्य क्या होता है, ऐसा फलन जिस पर उस बिंदु पर फलन की वैल्यू उस पर सीमा की वैल्यू के बराबर आ जाए, तो लिमिट एक्स टेंड टू 1 f(x), ठीक ना। तो f1 निकालो सबसे पहले, तो f1 कितना आएगा, 5 आएगा। फिर सीमा निकालो, तो सीमा के लिए लिमिट x टेंड्स टू, c की जगह क्या है, 1 है, 1 पर लिमिट निकालनी है 2x + 3, तो 2 × 1 = 3 है ना, 1 + 3, आंसर कितना आ गया 5। तो 2 की सीमा का मान फलन के मान के बराबर है, इसका मतलब फलन कैसा होगा, सांतत्य होगा। समझ में आया? यस सर चलिए तो ये अपना सांतत्य वाला हो गया। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फलन जो है f(x) बराबर मॉड x x इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं है। हमको ये सिद्ध करना है कि ये अवकलनीय नहीं है, तो अवकलनीयता के लिए बच्चों हमको क्या निकालनी पड़ती है, अवकलनीयता के लिए हमें निकालनी पड़ती है दाईं सीमा और बाईं सीमा, ठीक ना। तो दाईं सीमा क्या होती है बेटा, दाईं सीमा का फॉर्मूला लिख लो, दाईं सीमा होती है f', कोई बिंदु है a, तो उस पर दाईं सीमा क्या कहलाती है, f'a+h, और बाईं सीमा क्या कहलाती है, f'a - h, ठीक है बच्चों। दाईं सीमा कहलाती है f'a+h और बाईं सीमा कहलाती है f'a - h। अब यहां पर a की जगह किस बिंदु की बात हो रही है, 0 की, तो मतलब यहां पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहां पर हम निकालना पड़ेगा f'0+h बराबर होना चाहिए f'0-h के, समझ गए। तो अगर दोनों दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर हो जाएंगे तो ये फलन हमारा जो है अवकलनीय हो जाएगा दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर होने पर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हाँ, तो दाईं सीमा निकालने का सूत्र क्या होता है, ये देखो, आर मतलब राइट, राइट मतलब दाईं सीमा, f'0 बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 + f(0+h - f(h), f0/h वैल्यू पुट कर दी, ओके, दाईं सीमा कितनी आ गई, 1। और दूसरा क्या होता है, f0 बेटा ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है f0+h - f0/h, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है,
एफ जीरो प्लस एच अब माइनस एफ जीरो, इसको गलत कर दो, ये फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ मुझे लग रहा है, इसको जीरो माइनस एच करो, एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ अपॉन माइनस एच। चलो आराम से पहले ऊपर वाला निकालो फिर नीचे वाला निकालो, मैं तुम लोग के साथ सॉल्व करवाता हूँ इसको, दाई सीमा और बाई सीमा दोनों निकलवाते हैं। लवली ऊपर वाला पार्ट समझ में आ गया तुम्हें? नहीं आया? सर क्लियर दिख नहीं रहा है। क्लियर दिख नहीं रहा है? ऐसा क्यों नहीं दिख रहा बेटा, एक बार फिर से आप रीज्वाइन करो लेफ्ट हो करके, यहाँ से तो क्लियर जा रही फीड एकदम। और मैंने आपको नोट्स भी तो दे रखे हैं ना, अगर आप चाहो तो वो उसमें व्हाट्सएप पे ओपन कर लो नोट्स, उससे भी देख सकते हो आप, है ना बेटा, पेज नंबर 32। हाँ निहाल समझ में आया कि नहीं आया? सर तो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच, एफ एच की वैल्यू कितनी है बेटा, मॉड एच है, और जीरो से बड़े के लिए किस पे टूटेगा, एच पे ही टूटेगा, तो एच अपॉन एच इक्वल टू वन। ठीक है, अब देखिए दूसरा देखते हैं। अगर यदि हम बात करते हैं बाई सीमा की, बाई सीमा की बात करता हूँ, तो बाई सीमा का फॉर्मूला लिख लो बच्चों, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ एच सॉरी एफ ए अपॉन का माइनस एच, ये होता है फॉर्मूला बाई सीमा का, इसको ऐसे भी पढ़ा जा सकता है। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, फिलहाल यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है, ए की जगह है जीरो, तो एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस का एच। क्लियर है बेटा? ठीक है ना, तो इस तरीके से अब हम फॉर्मूले को लगा रहे हैं, तो क्या ये बनेगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच, एफ ऑफ जीरो माइनस एच कैसे टूटेगा, देखो मॉड एक्स पे हम लगा रहे हैं, तो मॉड एक्स इक्वल्स टू होता है, मॉड एक्स इक्वल्स टू हुआ करता है, मॉड एक्स इक्वल्स टू क्या हुआ करता है, दो मान होते हैं, एक एक्स जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है, और एक माइनस एक्स जब एक्स लेस देन जीरो होता है। तो कैसे होगा देखो बेटा, ये जीरो माइनस एच जो होगा जीरो से छोटा होगा, तो जीरो से छोटे के लिए क्या लगेगा, माइनस एक्स, तो माइनस और एक्स की जगह क्या बैठा हुआ है, माइनस एच, और माइनस एफ जीरो की वैल्यू कितनी है, जीरो अपॉन एच, तो ये कितना हो जाएगा देखो, सॉरी माइनस एच था, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ऊपर आ गया एच और नीचे आ गया माइनस एच, कैंसिल हो गया, आंसर इक्वल टू कितना, माइनस वन। तो देखा आपने कि हमारे पास दाई सीमा, जिसको आप राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं इंग्लिश में, तो दाई सीमा हमारे पास कितनी आई है, दाई सीमा हमारे पास आई है प्लस वन, जो बाई सीमा आई है हमारे पास वो कितनी आई है हमारे पास, माइनस। तो ध्यान देख सकते हैं आपकी दाई सीमा और बाई सीमा बराबर नहीं है, इसलिए फलन एक्स इक्वल टू जीरो पर अवकलनीय नहीं है, तो आंसर लिख लीजिए अवकलनीय नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है बच्चों, यस जवाब चाहूंगा आप लोगों का, पढ़ रहे हैं आप लोग तो, सर हाँ यस सर, जबरदस्ती नहीं बोलना है, सीखना है तभी बोलना है, समझ में आया, नहीं आया है तो बोल सकते हैं नहीं आया सर। गया। ओके नोट करिए, चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। तो इस तरीके से फलन जो है एक्स इक्वल टू जीरो पर ये अवकलनीय नहीं है। अवकलनीयता का प्रश्न आ गया तो क्या करोगे, नहीं बनेगी अवकलनीयता तो जीरो मार्क्स मिलेंगे फिर आपको चार नंबर में से, तो सीख लीजिए कम से कम भाई, दो ही काम तो करने हैं आपको, एक निकालनी है आपको दाई अवकलनीयता एफ ऑफ ए प्लस एच, और ए डैश एफ डैश ए प्लस एच, और एफ डैश ए माइनस एच, ये बिंदु की अवकलनीयता का सूत्र है, बस दो ही चीज लगनी है आपकी। ठीक है जी,
चलिए आगे बढ़ें, इजाजत है? सर। ठीक है ना। देखिए तो यहां पर जो फॉर्मूला लिखा हुआ था वो दूसरे तरीके का फॉर्मूला था, बट जो है मैंने आपको सरल वाला इजी वाला फार्मूला बताया है, तो उससे ज़्यादा सही रहेगा। F0 माइनस एच माइनस F0 अपॉन माइनस एच, तो ये बेहतर है। चलिए अगला, दर्शाइए कि फलन जो है, इस पे तो मिल गए फुल मार्क्स। अगला है, दर्शाइए कि फलन x इक्वल टू जीरो पर सतत नहीं है। भैया x इक्वल टू जीरो पर सतत होते तो तुम्हारी सीमा बराबर होती। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर x इक्वल टू जीरो पर फलन की वैल्यू कितनी आएगी? एक आएगी, क्योंकि जीरो पर परिभाषित है, तो F0 बराबर तो एक आ रहा है। मगर यदि सीमा की वैल्यू निकालोगे जीरो पर, तो जीरो पर सीमा की वैल्यू कितनी आ रही है? तीन आ रही है। मतलब सीमा की वैल्यू तीन आ रही है, तो सीमा की वैल्यू फलन के वैल्यू के बराबर नहीं है, मतलब एक्स इक्वल टू जीरो पर ये सतत नहीं होगा, ये असतत होगा। क्लियर है? यस ओके। अगला सवाल, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई, तो सिद्ध करिए कि डी बाई डी एक्स प्लस ई की पावर वाई माइनस एक्स बराबर जीरो। मतलब कुल मिला करके आपको डी बाई डी एक्स निकालना है और उसमें इसको ऐड करना है। तो क्या कर दोगे भाई इसको? e की पावर x प्लस e की पावर y इक्वल टू e की पावर x प्लस y। इसको करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका यहाँ सुझाया गया है कि e की पावर x प्लस y से भाग करने पर। थोड़ी सी मैं आपकी मदद करना चाहूँगा इस क्वेश्चन को सरल बनाने में। बच्चों देखिए इस क्वेश्चन को मैं सरल कैसे बना सकता हूँ। स्क्रीन अपनी मोबाइल की ब्राइटनेस आप लोग बढ़ा लीजिए, थोड़ी सी मैंने लाइट अपनी तरफ से कम करी है ना। सो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई। तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई। तो बच्चों ई की पावर एक्स प्लस वाई पावर में है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई। ओके, एक ऐसा कर सकते हो। और इसके बाद आप जो है यहाँ पर करिए, e की पावर y को इस तरफ लाइए, तो e की पावर x इंटू e की पावर y माइनस e की पावर y इक्वल्स टू, इधर क्या बचेगा? e की पावर x बचेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप e की पावर y कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा? e की पावर x माइनस वन इधर आ जाएगा, और यहां पर क्या बचेगा? केवल e की पावर x, ठीक है। तो फिर कर सकते हैं आप, फिर इसके बाद आप कर सकते हैं कि e की पावर y बराबर e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस वन। ये आ गया आपका फंक्शन। सरलतम रूप में आपने इस फंक्शन को बना लिया है ना, इन्होंने तो फिलहाल इससे भी ज्यादा सरल फॉर्म में कर दिया है, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका ये है। अब इसके बाद आप इसको क्या कर दीजिए? अवकलन कर दीजिए। आप इसको जो है इसके बाद अवकलन कर दीजिए, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या चाहिए? डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं ही कर देता हूँ आपके लिए इसको, डी वाई बाई डी एक्स। और उधर है ई की पावर वाई माइनस एक्स में ऐड करके आपको शून्य ले करके आना है। ओके, ई की पावर वाई माइनस एक्स में आपको ऐड करके शून्य ले करके आना है। सिद्ध कीजिए, इतना है ई की पावर वाई माइनस एक्स में आपको शून्य ले करके आना है, मतलब ई की पावर वाई अपॉन ई की पावर एक्स। चलिए देखिए, ठीक है। अब हम नहीं, इसको लगे रहने दो, बिल्कुल नहीं। तो तुम उधर चले जाओ, वहाँ उस वाले कमरे में चले जाओ, जाओ। अब चार्ज नहीं करते हो तो हमारी फॉल्ट थोड़ी ना है। ऑन करो स्विच। चलो देखिए बच्चों, इसको कैसे करना है। ई की पावर वाई अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन। अब इसको आपको अवकलन करना है, तो अवकलन करने का तरीका कैसे करेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन। तो ई की पावर वाई का क्या होगा अवकलन? ई की पावर वाई ही होगा, और साथ में आएगा डी बाई डी एक्स, और यहाँ आएगा हर ई की पावर एक्स माइनस वन गुणे अंश का अवकलन गुणन ई की पावर एक्स माइनस अंश ई की पावर एक्स, और अंश का हर का अवकलन गुणन e की पावर एक्स, और नीचे आएगा e की पावर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया e की पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखो जी, e की पावर एक्स का गुणा e की पावर एक्स के साथ हो जाएगा e की पावर टू एक्स माइनस e की पावर एक्स, और e की पावर एक्स का गुणा फिर से कितना हो जाएगा? e की पावर टू एक्स अपॉन e की पावर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास में।
अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें जो है ये तो है, अब इसके बाद देखिए e की पावर 2x से e की पावर 2x कैंसिल हो गया, इधर क्या बच गया e की पावर x, और यहाँ पे e की पावर x माइनस वन का होल स्क्वायर, ये मेरे पास आ चुका है। क्या आ चुका है मेरे पास, ये आ चुका है e की पावर y dy by dx, ठीक है, ये मेरे पास आ चुका है e की पावर y dy by dx। तो यदि मैं यहाँ से dy by dx की वैल्यू निकालूँ तो dy by dx इक्वल टू कितना आएगा, माइनस e की पावर x अपॉन e की पावर y और 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये मेरे पास आ चुका है, ठीक है ना। मेहनत करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में बच्चों आपको, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, e की पावर x माइनस वाई, और आपके सैम्पल पेपर में भी है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि सर हम तो छोड़ देंगे इसको, है ना। माइनस e पावर x माइनस वाई, ये मेरे पास आ चुका है dy by dx की वैल्यू। अब देखते हैं हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए है dy by dx प्लस e की पावर y माइनस x इक्वल टू जीरो, हमें चाहिए है dy by dx प्लस e की पावर y माइनस x इक्वल टू जीरो, dy by dx प्लस e की पावर y माइनस x इक्वल टू जीरो। तो dy by dx प्लस e की पावर y माइनस x इक्वल टू जीरो चाहिए, ठीक है। चलो dy by dx की वैल्यू रख दो, dy by dx की वैल्यू आई है माइनस e की पावर x माइनस y और e की पावर y माइनस x। ये देखिए भैया, e की पावर y माइनस x का मतलब होता है, एक मिनट भाई, यहाँ पे मैंने वैल्यू ही पूरी नहीं लिखी, माइनस e की पावर x माइनस y और 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू हो गई, और e की पावर y माइनस x की वैल्यू e की पावर y डिवाइडेड बाई e की पावर x, ये होती है। तो ऊपर से e की पावर y माइनस x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, ऊपर से मुझे e की पावर y माइनस x की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से मिलेगी वैल्यू e की पावर y अपॉन e की पावर x। ओ हो, ये क्वेश्चन तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, ये क्वेश्चन इस तरीके से तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है बच्चों, इसको कैसे करना पड़ेगा, इसको इसी मेथड से करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन में लिखिए आप लोग रीड बिफोर एग्ज़ाम, ये थोड़ा सा दिक्कत देगा नहीं तो आपको, ओके। तो इसको मैं इस मेथड से करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा हार्डवर्क करिए इसके साथ, जब मैं थोड़ा सा मेहनत कर रहा हूँ तो आपको तो मुझसे ज़्यादा करनी चाहिए। तो e की पावर x प्लस e की पावर y इक्वल टू e की पावर x प्लस y, अब सबसे ज़्यादा पंगा क्या है, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हमें इसका भाग देना है, ठीक है ना। तो इनकी मेथड से मैं इस क्वेश्चन को दी करके दिखाऊं, जिन मेथड से इस बुक वाले ने किया है। तो क्या है क्वेश्चन, e की पावर x प्लस e की पावर y इक्वल टू e की पावर x प्लस y, थोड़ा सा मैं जूम कर दूं, ना दिख रहा हो आप लोग को, ये लो और जूम कर दिया, e की पावर x प्लस e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y, e की पावर x प्लस e की पावर y इक्वल टू e की पावर x प्लस y। क्या पंच लगा इस क्वेश्चन में, e की पावर x प्लस y का डिवाइड कर दिया गया है, तो e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस y प्लस e की पावर y अपॉन e की पावर x प्लस y इक्वल टू e की पावर x प्लस y अपॉन e की पावर x प्लस y। मालूम पंगा क्या है, पंगा ये है कि अपन सोच कैसे पाएंगे कि e की पावर x प्लस y को डिवाइड करना है, वहाँ हमें तो सपने नहीं आएंगे, मतलब हमको इस क्वेश्चन को घर से लगा के जाना पड़ेगा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को कह रहा हूँ रीड बिफोर एग्जाम, घर से पढ़ के जाओ। अब चलो क्या करना है, e की पावर x इंटू e की पावर y, घातांकों के रूल से टूट गया, e की पावर y अपॉन e की पावर x इंटू e की पावर y, अच्छी बात है, और ये तो कैंसिल ही हो गया तो कितना आ गया 1, चलो काटाकूटी करो, इससे ये कैंसिल हो गया तो e की पावर माइनस वाई प्लस काटाकूटी करो, y से y कैंसिल हो गया, e की पावर कितना माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना 1। चलो एक सिंपल सा फंक्शन बन चुका है, फलन बन चुका है, e की पावर माइनस वाई प्लस e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू 1। चलिए अवकलन के लिए तैयार हो जाइए, डी वाई डी एक्स ई की पावर माइनस वाई प्लस ई की पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 है, e की पावर माइनस वाई का अवकलन क्या होगा, e की पावर माइनस वाई ही होगा और साथ में डी वाई डी एक्स आएगा और एक माइनस साइन भी आएगा क्योंकि y के साथ माइनस लगा हुआ है। e की पावर माइनस एक्स का अवकलन क्या होगा, माइनस भी आएगा और e की पावर माइनस एक्स भी आएगा, बाकी कुछ नहीं, इधर का अवकलन कितना हो जाएगा जीरो,
क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन हो गया क्या, जीरो। ओके, अब क्या चाहिए भैया इन्हें, अब इन्हें चाहिए है हमसे क्या, इनका कहना है डी वाई बाई डी एक्स। ओके, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ई की पावर माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स, तो ना ना माइनस एक्स, तो यहाँ से ये माइनस एक्स हो गया। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में ई की पावर माइनस वाई, ठीक है। चलिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ से माइनस एक्स नीचे जाएगा तो ई की पावर एक्स बन जाएगा, माइनस वाई ऊपर आएगा तो ई की पावर वाई बन जाएगा, तो ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर वाई माइनस एक्स। आंसर तैयार है आपके लिए, डी वाई बाई डी एक्स माइनस ई की पावर वाई माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, शायद यही पूछा गया ना, ई की पावर माइनस, हाँ जी यही पूछा गया, एक मिनट, प्लस आ रहा है, प्लस प्लस क्यों आ रहा है भाई, क्या मिस्टेक कर दी मैंने। ओके, प्लस क्यों आ रहा है, कुछ तो गलती हुई है, प्लस आ रहा है इनका, मेरा माइनस आ रहा है, यहाँ पे ये लेकर के आ रहे हैं तो प्लस आ रहा है, मतलब एक माइनस साइन कहीं पर बच रहा है, माइनस ई की पावर माइनस एक्स कहीं पर मिस्टेक हुई, ढूंढना पड़ेगा। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चला है, ठीक है, इसके बाद, इसके बाद माइनस साइन ये वाला मैं एकदम से गायब कर दिया हूँ, जी हाँ, ये देखो ये जो माइनस था ना मैंने एकदम से गायब कर दिया, तभी तो हो गया ये पंगा, माइनस इधर रहेगा, ये माइनस फाइनली यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा और फिर ये यहाँ आ जाएगा। चलो नोट कर लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, और नहीं बना है तो एक बार फिर से बोल दो, हम बता देंगे, नहीं समझ में आया तो फिर से करें। आ गया समझ में? यस सर, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। देखो अब मतलब अभी ये जो क्वेश्चन है ये इसको थोड़ा सा करके जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको याद ही नहीं आएगा, एग्जाम में क्लिक ही नहीं होगा कि कैसे करना है। अपन तो नॉर्मल मेथड से करेंगे डी वाई डी एक्स लगा करके, बट उससे देख रहे थे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और शायद कहीं पे मिस्टेक भी हो गई मुझसे, इसलिए उससे आंसर नहीं आया। आंसर तो हर किसी मेथड से आएगा, मगर कोई मेथड का रास्ता बहुत लंबा हो जाता है तो उसको अवॉइड करेंगे। चलिए डन, आगे बढ़ सकते हैं। बच्चे लोगों बोलो, यशराज लखेरा भैया समझ में आ रहा है, लवली क्लियर है, पलक जायसवाल क्लियर है बच्चों, यस सर। चलिए ओके, अगला क्वेश्चन आया है बहुत भैया फेमस क्वेश्चन है, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, तो डी वाई डी एक्स कुछ नहीं, दोनों को डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर दो भाई, ये तो बिल्कुल फेमस क्वेश्चन है, सबने करा होगा। हाँ अब बताओ मुझे, तुम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्या नाम बेटा तुम्हारा, निहाल कौन है भाई, निखिल साहू, क्वेश्चन कुछ पूछ रहे थे ना, क्यों निखिल सर, चार पार्ट का उदाहरण नंबर 16, उदाहरण नंबर 16 का स्क्रीनशॉट भेज बेटा मेरे को, वो मोबाइल पे स्क्रीनशॉट भेज दो ग्रुप में या मोबाइल मेरे नंबर पे, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना, एक्सप्लेन कर देता हूँ। चार पार्ट का एग्जांपल नंबर 16 भेज रहे हो, हाँ तो ना बोलो, बुक नहीं है मेरे पास, आप बताओ मेरे को कौन सा क्वेश्चन, फोटो खींच के भेजो, कोई दूसरा बच्चा भी भेज दे अगर उसके पास में हो तो। निखिल यार रिप्लाई तक नहीं देते हो तुम लोग यार, टाइमली भेज दिया भेज दिया भेज दिया बच्चे ने, चार पार्ट का एक, अच्छा ओके भैया जी ने ये क्वेश्चन भेजा है, चलो भाई क्या भेजा है इन्होंने, इन्होंने सारणिक का क्वेश्चन भेजा है कि बी प्लस सी ए ए बी प्लस सी, चलो मैं सॉल्व करा देता हूँ भाई इनका क्वेश्चन, इनका क्वेश्चन सारणिक का है, इसको मैं डिलीट मार दूँ, फाइल न्यू लेनी कंट्रोल एन। आपने जो सवाल भेजा है बेटा मेरे को, सारणिक का सवाल भेजा, आपका सवाल है सिद्ध कीजिए कि बी प्लस सी, इधर पे है ए, इधर पे भी ए, इधर पे है बी और इधर पे है बी सी प्लस ए और इधर पे है बी
और इधर पे है सी और इधर पे है सी और इधर पे है ए प्लस बी का मान जो होगा बेटा वो कह रहे हो 4abc होगा। इसका मान जो है आपको 4abc सिद्ध करना है। देखो बेटा इसको 4abc सिद्ध करने के लिए सबसे पहले पकड़ो कि इसमें इसकी कमजोर कड़ी अपन को मिल जाए। तो पहली चीज एक ए कॉमन निकाल रहे हैं, एक बी कॉमन निकाल रहे हैं, एक सी कॉमन निकाल रहे हैं, मगर मेरे को दूर दूर तक कहीं ए बी सी की कॉमन संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। परंतु मुझे एक चीज यहां पर समझ में आ रही है कि यदि मैं मुझे जीरो बनता हुआ दिख जाएगा, एक जीरो बनाने के मेरे प्रयास यहां पे हो सकते हैं, जीरो बनने की कुछ चांसेस मेरे पास यहां पे बन सकते हैं। और अगर आप इनको सीधे जोड़ दोगे, जोड़ने पे भी कोई फायदा नहीं है। ओके यस, तो देखिए अपने पास जीरो बन सकता है। कैसे बन सकते हैं जीरो? अगर आप बी प्लस सी में से इन दोनों को जोड़ करके माइनस कर दो तो ये हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, एक जीरो तो बन जाएगा यहाँ पे। तो आर वन टेंस टू आर वन माइनस आर टू प्लस आर थ्री, मतलब आर वन में से आर टू और आर थ्री का योग जो है माइनस करो। तो बी प्लस सी में से बी प्लस सी का योग माइनस करोगे, बोलो कितना आएगा? जीरो। ए प्लस सी प्लस ए यानी ए टू ए प्लस सी में से सी माइनस करोगे तो कितना आएगा बेटा? टू ए। ये देखो ना, ए प्लस सी प्लस ए बन गया टू ए, टू ए में से सी माइनस कर दो टू ए आ गया। और ए में से माइनस करना पड़ेगा इसका और इसका योग, मतलब ए माइनस ए प्लस टू बी, तो इसे ए से ए कैंसिल, कितना आ गया? टू बी आ गया। और यहाँ पर बी आ गया, यहाँ पर सी प्लस ए और यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, यहाँ पर सी और यहाँ पर ए प्लस बी। कहो ठीक है बेटा, आ गया समझ में इतना कि नहीं आया? जी सर। ओके अब देखो यार, दो जीरो बनाने की कोशिश करनी है, एक जीरो कहीं पर और बन जाए, एक जीरो लगातार में कहीं पर और बन जाए तो मजा आ जाए। लगातार में जब ये जीरो बन जाए तो ये जीरो नहीं बन सकता है, ये जीरो भी नहीं बन सकता है, ये भी जीरो नहीं बन सकता है, रही उम्मीदें इससे तो ये भी जीरो अपने पास डायरेक्टली इधर से नहीं बनेगा, ठीक है ना? तो अब क्या कर सकते हो, अब ये कर सकते हो कि फर्स्ट रो से, पहली रो से आप जो है कुछ कॉमन ले लो, ठीक ना? पहली रो से आप जो है ये क्या कॉमन ले लो, टू कॉमन ले लो। तो पहली रो से आपने टू कॉमन उठाया तो कितना बचेगा? यहाँ बचेगा जीरो, यहाँ बचेगा ए, यहाँ बचेगा माइनस का बी। ओके यहाँ बचेगा बी, यहाँ बचेगा सी प्लस ए और यहाँ बचेगा प्लस का बी, और यहाँ बचा सी और यहाँ बचा सी और यहाँ पर बचा ए प्लस बी। ओके ओके चलिए अब देखो, अब इसको ज़्यादा छोटा करके कोई फायदा होना नहीं है, सीधे सॉल्व कर दो इसको, पंक्ति वन के रिस्पेक्ट में खोल दो, जो होना होगा, जो इसका होना होगा आंसर आ जाएगा। तो मैं लिखता हूँ पंक्ति वन के रिस्पेक्ट में ओपन करने पर, है ना, आर वन के रिस्पेक्ट में इसको ओपन करने पर। तो टू कैसे ओपन होता है बेटा? सबसे पहले जीरो के साथ खुलता है, तो जीरो के साथ मत खोलो क्योंकि जो भी अंदर आएगा वो जीरो हो जाएगा। अगला कौन आएगा? ए। ए का चिन्ह बनेगा क्या? माइनस, क्योंकि बीच में बैठा है तो बीच के लिए माइनस माइनस ए। चलो कैसे हल करोगे? ए से जाने वाली रो को छोड़ दो और कॉलम को छोड़ दो, पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दो। तो क्या क्या छोड़ दोगे? ये छोड़ दोगे और ये छोड़ दोगे ए से जाने वाली, बाकी का गुणा करो तो बी का ए प्लस बी के साथ गुणा, बी इंटू ए क्या बनेगा? ए बी, और बी इंटू बी क्या बनेगा? प्लस बी का स्क्वायर, ये बन गया अपने पास। तो इतना हो गया पहला, ठीक है ना, है ना, बी इंटू ए कैसे किया अपन ने, एक सेकेंड रिक्वेस्ट है। तो कैसे किया अपन लोगों ने कि सबसे पहले इसको जो है ए के लिए बी का मल्टीप्लाई ए प्लस बी के साथ, और फिर बीच में लगेगा माइनस और सी का मल्टीप्लाई बी के साथ, तो यहाँ पर बी सी आ जाएगा। चलिए लास्ट है, नेक्स्ट है माइनस बी के साथ गुणा करेंगे क्योंकि तीसरे पे माइनस बी बैठा हुआ है, तो बी सी के साथ हो जाएगा। अब किसको छोड़ना पड़ेगा माइनस बी वाले पार्ट में? तो माइनस बी वाले पार्ट में आपको इससे जाने वाली पंक्ति और कॉलम को छोड़ना पड़ेगा, मतलब ये ब्लैक वाले जितने हैं ना इनको आपको छोड़ना पड़ेगा। तो आपका बॉक्स कौन सा बनेगा? ये वाला बॉक्स बनेगा आपके काम का,
तो बी का मल्टीप्लाई सी के साथ कितना हो जाएगा, पहले बी सी, और सी इंटू सी कितना हो, बीच में माइनस भी आता है भैया, तो सी इंटू कितना हो जाएगा सी स्क्वायर, और सी इंटू ए कितना हो जाएगा प्लस ए सी, मगर एक माइनस बैठा हुआ था तो माइनस ए सी हो जाएगा। कहो कोई दिक्कत यहाँ पर बच्चों, बोलो दिक्कत है कि नहीं है? ओके चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, माइनस ए का ए बी के साथ तो कितना हो गया माइनस ए स्क्वायर बी, और माइनस ए का बी के साथ करो मल्टीप्लाई, ओके माइनस ए का बी स्क्वायर के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर, ओके और फिर कितना आ जाएगा अपने पास में माइनस ए का माइनस बी सी के साथ, तो ये हो जाएगा प्लस ए बी सी, ओके देन माइनस बी का बी सी के साथ तो माइनस बी स्क्वायर सी, और माइनस माइनस प्लस बी सी स्क्वायर, और प्लस का हो जाएगा कितना प्लस का टू ए बी सी, यस ये हो गया प्लस टू ए बी सी। तो अब हमें क्या करना है इसको भाई, अब हमें क्या करना है इसको, ए स्क्वायर बी बी स्क्वायर सी, ये तो आंसर ज़ीरो इसका आ नहीं रहा, और हमें आंसर फोर ए बी सी लेके आना है भाई, कहाँ पर मिस्टेक कर दी, कोई गलती कर दी, यकीनन कोई मिस्टेक हुई है बच्चों, कहीं पर मिस्टेक हो गई है, क्यों इसका आंसर शिव निखिल फोर ए बी सी है ना, देखा है ना आपने? यस सर। ओके 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 एक मिनट बेटा इसको करते हैं, इतना तो कुछ खास क्वेश्चन है नहीं, कहीं पे मिस्टेक ही हुई है, एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन तो गलत नहीं लिखा, फोर बी प्लस सी ए ए बी सी प्लस ए बी एंड सी सी ए प्लस बी, क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है। देन इसके बाद मैंने किया है आर वन में से आर टू माइनस आर थ्री माइनस कर दिया है, तो आर वन में से आर टू माइनस आर थ्री माइनस किया है, हाँ यार तो यहाँ पर ही मैंने गलती कर दी है, देखो अगर R1 में से A में से इन दोनों का सम माइनस होगा तो A से A कैंसिल होगा और यहाँ पे 2C बचेगा, तो यहीं पर मैंने ये क्वेश्चन गलत कर दिया है, ठीक है ना, तो मुझे इसे दोबारा करना पड़ेगा बच्चों, मैं इसको दोबारा कर रहा हूँ, एक बार फिर से ध्यान दीजिए, B प्लस सी ए ए ओके एंड B C प्लस ए एंड B और यहाँ पे C और C और ए प्लस बी। चलिए क्या मैंने ऑपरेशन लगाना था, इसमें से इसका सम माइनस करना है, मतलब आर वन बदल जाओ तुम किस में, आर वन माइनस आर टू प्लस आर थ्री में। चलिए तो देखिए कैसे बदलेगा बेटा, यहाँ पर अब ये ऑपरेशन थोड़ा मन में किया करो, क्या है कि इतना बार बार पेन से नहीं लिखोगे कि हम इसमें से इसका इसका माइनस जोड़ करके माइनस कर रहे हैं, तो जीरो आ जाएगा, आ रहा समझ में, मन में कर पा रहे हो आप लोग कि नहीं कर पा रहे हो, इसमें से इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दो, अब इसमें से इन दोनों को जोड़ के माइनस करोगे तो 2c बचेगा और माइनस करोगे तो ऊपर माइनस 2c बचेगा, इसमें क्या बचेगा भाई, इसमें आपके पास देखो a प्लस बी ए ए है और a में माइनस करना है तो a से a कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2b बचेगा, क्लियर बच्चों? क्यों बोलते क्यों नहीं हो, पढ़ वढ़ नहीं रहे हो क्या, तुम लोग से क्लियर पूछो तो तुम्हारी आवाज़ ही नहीं आती है, यस तो बोला करो माइक ओपन करके, नहीं तो नो बोल दिया करो, हाँ चुपचाप बैठे रहते हो, सबकी बात कर रहा हूँ मैं, कम से कम यस पूछूँ तो सबको बोलना चाहिए, नहीं तो नो बोलो, समझ में नहीं आ रहा है तो मजबूरी में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो बेटा आर वन ए ऐसे इस, अब इसको हल कर दो, इसको ओपन कर दो आप, तो ओपन करोगे तो जीरो के रिस्पेक्ट में तो सब ओपन हो जाएगा, फिर किसकी बात आएगी माइनस टू सी की, तो माइनस टू सी माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके बनाएगा प्लस टू सी, ठीक है, अब प्लस टू सी के साथ देखो कौन कौन मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ होगा तो क्या बन जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या ये मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ ए बी प्लस बी स्क्वायर, बीच में माइनस बी इंटू सी, बी इंटू सी ये हो गया, ठीक है, अब इसके बाद माइनस टू बी की बारी आई, तो माइनस टू बी देखो किसके साथ कौन होगा, ये छोड़ो ये छोड़ो, ये वाला छोड़ोगे और ये वाला छोड़ोगे, तो बी का सी के साथ कितना आ जाएगा बी सी, ओके और इसके बाद कौन है सी का इसके साथ है ना, तो सी का सी प्लस ए के साथ हो जाएगा, तो माइनस लगेगा बीच में और सी का सी के साथ करोगे तो कितना आएगा सी स्क्वायर,
और सी का ए के साथ करोगे तो कितना आएगा, ए सी ब्रैकेट क्लोज। चलो टू ए बी सी, ए बी सी प्लस टू टाइम्स बी स्क्वायर सी माइनस टू टाइम्स बी सी स्क्वायर, ठीक है जी। चलिए अब देखिए यहाँ पे टू बी स्क्वायर सी, तो ये माइनस का टू बी स्क्वायर सी और माइनस माइनस प्लस प्लस टू बी सी स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा कितना, एक मिनट, यहाँ मैंने पक्के से कोई गलती करी है और वो गलती मुझे दिख गई, ये मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया, हाँ क्योंकि जब ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, और ये हो जाएगा टू ए बी सी माइनस का, ओके। और ये माइनस और ये माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, तो टू बी स्क्वायर सी में से टू बी स्क्वायर सी कैंसिल, टू बी सी स्क्वायर में से टू बी सी स्क्वायर कैंसिल, आंसर दो ए बी सी तो प्लस दो ए बी सी इक्वल टू कितना, फोर ए बी सी। अब ये बिल्कुल सही है यार, इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले डन हो गया, ठीक है जी। हाँ अगला सवाल कौन सा है बेटा, चले आएंगे अपने काम पे। चलिए जरा पूछ ले भाई, कौन कौन जाग रहा है, लवली की आवाज आ रही, पलक जय सवाल बेटा, माइक ऑन ओपन करके बात करो, क्लास में हो कि नहीं हो। यस सर। हाँ चलिए ठीक है। विशाल वंशराज लखेरा, समझा आपने पिछला सवाल, वंशराज लखेरा, निखिल क्लियर हो गया, निखिल क्लियर हो गया। यस सर। एक और क्वेश्चन था, हाँ। मैंने भेज दिया है। अच्छा। सर उसमें के दो मान कैसे आ रहे हैं? अच्छा के दो मान इसलिए आ रहे हैं बेटा, जब भी आप डिटरमिनेंट को हल करते हो त्रिभुज के लिए, तो उसमें जब उसका डिटरमिनेंट हटता है तो दो चीज़ें होती हैं। चलो देख लो, तुम कह रहे हो यदि, इसको देख लो, इसका कहना है यदि प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल चार वर्ग इकाई है। बेटा तो जब वो आप डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हो ना, तो यहाँ पे चार नहीं लेना, यहाँ पे प्लस माइनस चार लेना, क्योंकि गणित की भाषा में त्रिभुज का क्षेत्रफल एक ही त्रिभुज ऊपर भी बन सकता है और नीचे भी बन सकता है। यस समझ गया ना, तो ऊपर के लिए प्लस चार माना जाता है और नीचे के लिए माइनस चार। तो आप क्या कर रहे होगे, प्लस का चार ले हो रहे हो, एक ही मान आएगा, तो एक बार माइनस का लेके करो, समझ में आया आप? यस सर। हाँ जैसे आप वो निकालते ना दो बिंदुओं के बीच की दूरी या कोई भी चीज़ निकालते हो फॉर्मूला, जैसे बचपन आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था तो मान लीजिए तो माइनस चौदह, तो माइनस चौदह का मॉड लेके आप क्या लिख देते थे, चौदह वर्ग इकाई। तो भले ही आंसर निगेटिव आता था मगर आप उसको पॉजिटिव करके लिखते थे, तो इसलिए अब यहाँ पे आंसर आपको पॉजिटिव दिख रहा है, बट आपको दोनों लेना है, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी, ठीक है। यस सर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, उच्चिष्ट निम्निष्ट, हाँ क्वेश्चन नंबर 16 तो सबसे बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17, वाई बराबर एक्स इंटू फाइव माइनस एक्स, एक्स के किस मान के लिए उच्चिष्ट व निम्निष्ट है, तो गुणा कर दो पहले, अब इसके बाद डिफरेंशिएट कर दो, तो एक्स बराबर पाँच बटे दो पर डबल डेरिवेटिव निरात्मक आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। क्लियर है बच्चों, देख लो एक बार, समझ में आया कि नहीं आया? आगे ओके लवली, तुम्हें कहीं दिक्कत हो तो बोलना पड़ेगा बेटा, है ऐसा नहीं है कि हम समझ जाएंगे, बिना आपके बोले नहीं पता कर पाएंगे कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, वक्र x बराबर एक्स वन माइनस साइन थीटा, बी बराबर कॉस थीटा के थीटा इक्वल टू पाई बाई टू पर अभिलंब की प्रवणता। बेटा अभिलंब की प्रवणता का सूत्र क्या होता है, अभिलंब की प्रवणता, देखो क्या सूत्र लगेगा इसमें, प्रवणता क्या होती है, प्रवणता होती है m, किसकी, स्पर्श रेखा की, स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है m, और m का सूत्र होता है dy वाई बाई डी एक्स। अब क्लास 11th में पढ़ के आए होंगे कि अगर रेखा की प्रवणता m है तो इसके लंबवत जो रेखा है इसकी प्रवणता कितनी होगी, माइनस एक बटे m, तो इसके जो लंबवत रेखा है इसकी प्रवणता होगी माइनस एक बटे m। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता अगर dy वाई डी एक्स है तो इसके लंबवत रेखा की प्रवणता जो होगी वो होगी माइनस एक बटे एम, अर्थात माइनस एक बटे डी वाई बाई डी एक्स
मतलब माइनस का डी एक्स अपॉन डी वाई भी कह सकते हो। तो हमें ये निकालना है बेटा इस सवाल में, क्या निकालना है, माइनस एक बटे डी वाई बाई डी एक्स ये निकालना है। नोट कर लो, हमें इस सवाल में माइनस एक बटे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। चले आएंगे, क्लियर। चलिए तो कैसे करेंगे बेटा, x की वैल्यू दी गई है, y की वैल्यू दी गई है, dx by d थीटा निकाल लिया, dy by d थीटा निकाल लिया, दोनों को डिवाइड करके dy by dx आ गया है। अब प्रवणता निकालनी है, तो अभी भी मैंने बताया dx by माइनस का एक बटे dy by dx होती है प्रवणता, काहे की अभिलंब की। तो इसको पलट दोगे तो कितना हो जाएगा माइनस डी, अरे इतना क्यों पलटना, सीधे मैं तो सॉल्व करवाऊँ ना। तो देखो ध्यान से, dy by dx कितना आया अपना 2 अप 2b अपॉन ए साइन थीटा, और थीटा कितने पर चाहिए है, पाई बाई 2 पर, तो रख दो बस कुछ नहीं है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो माइनस एक बटे 2b अपॉन ए साइन थीटा, यानी साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 होता है 90 डिग्री, साइन 90 हो गया 1, तो आंसर कितना आएगा माइनस ए अपॉन 2b। क्लियर है, तो इसका आंसर आ गया माइनस ए बाई 2b। बच्चों बन जाएगा ना। हाँ भाई बताएं, पलक जायसवाल, लवली कोल, दो ही लोग बचे हैं क्लास में, बताएं जल्दी से, बन जाएगा नहीं बचेगा, नहीं बनेगा, ओके। चलिए अगला सवाल देखिए, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जब r बराबर 5 सेंटीमीटर है। कुछ नहीं करना है, पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन रख दो और लास्ट में r की वैल्यू 5 रख दो, मिल जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समाकलन, पहला सवाल बेहद इजी है, बड़े आराम से हो जाएगा, बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा सवाल 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी कर लोगे बड़े आराम से, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, 4x³, एक मिनट ये भी तो हो गया। अगला सवाल है 4x³ - 6 द्वारा परिभाषित फलन का फल प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए, जिसमें f0 = 3 है। ओके, तो प्रति अवकलज निकाल लो, प्रति अवकलज द्वारा प्रति एफ का प्रति अवकलज एफ ज्ञात कीजिए। तो क्या करोगे, इसका प्रति अवकलज मतलब इंटीग्रेशन कर दो, तो इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, तो इंटीग्रेशन करोगे 4x³ - 6 का, तो कितना आएगा, इसका आंसर आएगा x⁴ - 6x + c, है ना। और एफ जीरो की वैल्यू 3 दी है, मतलब c की वैल्यू कितनी है, 3 है इसमें, तो इसमें क्या c की, नहीं 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 तो आंसर क्या होगा, प्रति अवकलज का c की वैल्यू लौटा दो यहाँ पे, तो आंसर आ जाएगा आपका x⁴ - 6x + 3। कहिए समझ में आया कि दोबारा कराऊं अच्छे से, क्लियर हो गया कि बताऊं। यस सर, आ गया। ठीक है, चलिए अगला डी बाय डी एक्स है, और e⁻¹ का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे करोगे भाई, e⁻¹ एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसमें नीचे e⁻x आपको कॉमन लेना पड़ता है, और ऊपर e⁻x जाके e⁻¹ - x बन जाएगा, और फिर इसके बाद नीचे t ले लो तो ऊपर dt बैठा हुआ है, तो खैर कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में, माइनस log t आ गया, माइनस log t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है 1 + e⁻¹। चलिए इसको कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत बच्चों इसमें, करके बताऊं क्या इसको कि कर लोगे, आप यहाँ तक भी छोड़ करके आओगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ तक लाने की ज़रूरत है, बस इतने में भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये एक्स कहाँ से आ गया, इसका एक्स तो आएगा ही नहीं भाई, इसका आंसर गलत दे रखा बच्चों, ये है इसका आंसर बस, ये कोई आंसर नाम की चीज़ नहीं है, ये फालतू है। इसका आंसर आप तो या तो यहाँ तक लेकर के आओ, नहीं तो सॉल्व करके यहाँ पर सॉल्व करके लेके आओ। सर बता दीजिए एक बार। ओके बेटा बता देते हैं, चलो देखो देखो जिस है ना, इसको सॉल्व करके बताते हैं अपन। जैसे अपने पास सवाल है dx/e⁻¹ तो कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन dx अपॉन बेटा e⁻¹। तो अब क्या करो बेटा, यहाँ से आप भाग दे,
तो e की पावर x का दोनों में। अगर भाग नहीं दे सकते हो तो कॉमन ले लो, मगर मैंने भाग लेने की बात इसलिए कही क्योंकि भाग देना जल्दी से बच्चों को समझ में आता है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि ऊपर तो dx रहने दो, नीचे से e की पावर x कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ पर क्या आएगा जबरदस्ती कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना, ये हो गया e की पावर x। तो क्या हो गया बेटा ये देखो, ये बन गया अपने पास dx और नीचे e की पावर x बाहर बैठा है और 1 प्लस e की पावर माइनस x हो गया। ठीक है, अब क्या करो, ये जो e की पावर x है बेटा इसको ऊपर भेज दो, तो ये बन गया e की पावर माइनस x और ये बन गया 1 प्लस e की पावर माइनस x और यहाँ पर dx। अब तो मजे हैं क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, मतलब नीचे मानोगे t और ऊपर बनेगा dt। चलिए ले लेते हैं, तो लिखेंगे लेट माना t बराबर 1 प्लस e की पावर माइनस x, t इज इक्वल्स टू 1 प्लस e की पावर माइनस x। तो इसको अवकलन कर दो तो dt by dx इक्वल टू 1 का हो जाएगा 0, और e की पावर माइनस x का अवकलन क्या होता है माइनस e की पावर माइनस x। ठीक है ना, तो क्या अपने पास आ गया dt by dx इक्वल टू माइनस e की पावर माइनस x। तो dx को तो यहाँ से e की पावर माइनस x और dx को यहाँ भेज दो dx, और ये वाला माइनस जो है इधर भेज दो, तो क्या बन गया माइनस का dt। बोलो ये लाइन समझ में आई लवली? हाँ, अभी देखो ये जो e की पावर माइनस x dx है इसकी जगह कौन बैठा है पूरा, इसकी जगह बैठा है माइनस dt, और नीचे कौन बैठा है t, तो माइनस साइन बाहर ले लो तो ये आपको कैसा दिखाई देगा 1 अपॉन t dt। अब सब लोग जानते हो कि 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x होता है, तो 1 अपॉन t का क्या होगा log t, तो आंसर आया माइनस log ऑफ t प्लस c। तो माइनस log t की वैल्यू आपने क्या मानी थी, ये मानी थी 1 प्लस e की पावर माइनस x, तो आंसर आ गया 1 प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। क्लियर है? सो फाइनली ये अपना आंसर है। ठीक ना, तो आपको यहीं तक छोड़ करके आ जाना। अब आपको सर ये क्या किया है, तो बेटा इसने जबरदस्ती में इसको आगे सॉल्व कर दिया। आप कहो तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको, कुछ नहीं है उसमें। चलो देख लो सॉल्व करके, इसने क्या है इसको आगे सॉल्व कर दिया। सॉल्व किया है माइनस लगे रहने दो, है ना, लॉग है 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स क्या होता है, ई की पावर माइनस एक्स होता है 1 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस सी, जिंदा कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस लॉग e की पावर x का 1 के साथ मल्टीप्लाई कितना, e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x, ये हो गया। ठीक है ना, अब देखिए ये जो है अब इतना यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं आप, यदि यहाँ पे नहीं छोड़ना है तो एक और चीज़ कर सकते हैं। माइनस का मतलब क्या होता है मैथ्स में, माइनस का मतलब माइनस 1, तो ये हो जाएगा लॉग, और लॉग में आपको पता होता है एक प्रॉपर्टी होती है लॉग m की पावर n इक्वल टू n लॉग m। तो इस प्रॉपर्टी को उल्टे रूप में देखो, मतलब ये जो चीज़ होती है बाहर होती है ये यहाँ पहुँच जाती है। तो यहाँ पे लॉग e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x की होल पावर क्या लिख सकता हूँ माइनस 1, मतलब ये माइनस 1 यहाँ पहुँच गया। तो माइनस 1 क्या करता है, किसी चीज़ को पलट देता है ना, तो लियो पलट दो आप भी, तो आप पलट देंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा लॉग e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस 1 प्लस सी। डन, क्लियर है? Yes, चलिए ठीक है ना, तो ये इतना करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं बच्चों, आपको तो फुल मार्क्स यहीं पर मिल जाएंगे। कौन सा प्रूव दैट, हाँ प्रूव दैट वाला क्वेश्चन हो तो कर लेना, ये क्वेश्चन होमवर्क लिख लो, मैंने करवा रखा है क्लास में। ओके, ये क्वेश्चन जो है आप होमवर्क लिख लीजिए, इसको अपन ने करवा रखा है टेक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन इतना 1 प्लस एक्स की पावर, ठीक ना, इसको कर रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा। चलिए, जीरो से पाई बाई टू कॉस टू एक्स, भाई जीरो से पाई बाई टू कॉस टू एक्स बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, कॉस टू एक्स का साइन टू एक्स अपॉन टू हो जाएगा, फिर उसके बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट आप एडजस्ट करके लगा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पाई बाई टू माइनस जीरो करके ये आंसर जीरो आ जाएगा। बोलो क्लियर है बच्चों? यस सर, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, सदिश ए और बी में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां पर ए और बी इतना है। तो ए किसके लंबवत निकालना है, ए और बी के नहीं, इसके और इसके लंबवत। तो पहले आपको ये बनाना पड़ेगा, तो इसका कुछ नाम दे दो, तो क्या नाम दे दो, पी मान लो, पी नाम मान लो ए प्लस बी, तो पहले ए प्लस बी सदिश बनाओ, और फिर क्या बनाओ, क्यू मान लो, क्यू मान लो क्या, ए माइनस बी। तो ये दो सदिश बन गए, ये दो सदिश बन गए, एक बन गया पी और एक बन गया क्यू, ठीक ना,
पी और क्यू दोनों सदिश बन चुके हैं। अब दोनों के लंबवत मात्रक सदिश क्या होगा? तो आपको याद होगा कि मात्रक सदिश बनाने का फॉर्मूला क्या होता है दोनों के लंबवत। जैसे ये सदिश पी है, ये सदिश पी है और ये सदिश क्यू है, तो इन दोनों के लंबवत मात्रक सदिश आता है बच्चों वो कहलाता है एन कैप। एन कैप और एन कैप क्या बनेगा? पी क्रॉस क्यू, पी क्रॉस क्यू अपॉन मॉड ऑफ पी क्रॉस क्यू, ये बनेगा बच्चों फॉर्मूला। तो P की जगह कौन है A प्लस बी, Q की जगह कौन है A माइनस बी, तो दोनों का क्रॉस कर दो पहले और नीचे दोनों के क्रॉस का मॉड निकाल लो। ये देखो नीचे मॉड निकाल लिया है ना, तो ये आपका आ जाएगा लंबवत सदिश। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको करके जाइए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब नहीं आया समझ में तो मुझसे बताओ, मैं फिर से बताऊँ क्या इसको कि आ गया समझ में? यस सर आ गया। चलिए ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन है, कर लीजिएगा, इजी है, दिख रहा है कठिन है ना। अगला क्वेश्चन है ए आई माइनस जे के अनुदिश ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परिणाम, अरे भैया अगर किसी के अनुदिश सदिश निकालना मतलब उसका इकाई सदिश निकाल लो और उसका गुणा कितने से कर दो? सात से, क्योंकि इकाई सदिश सात कदम का है, तो सात से गुणा कर दिया तो लो मिल गए आपको पूरे मार्क्स। ठीक है चलिए अगला, सदिश ए का सदिश बी के ऊपर प्रक्षेप, सीधा सीधा फॉर्मूला होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड बी है ना, ए का बी के ऊपर प्रक्षेप मतलब ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी, तो लगा दिया ए डॉट बी अपॉन मॉड बी का फॉर्मूला, इसमें भी आपको मिल गए नंबर। ठीक अगला, सदिश इतने के अनुसार मात्रक सदिश ले भैया, यूनिट वेक्टर निकालना, मात्रक सदिश दिया गया सदिश अपॉन उसका मापांक निकाल दो, मात्रक सदिश कहलाएगा। ठीक है बच्चों चलिए दर्शाइए कि ये बिंदु संरेख है। संरेख दिखाने की कंडीशन क्या होती है? संरेख दिखाने की कंडीशन होती है कि तीन बिंदु अगर संरेख हैं, इसका मतलब अगर वो सरल रेखा में है ए बी सी, तो क्या शर्त होगी? ए सी का योग, ए सी का योग बराबर होगा ए बी प्लस बी सी के, तभी संरेखित होंगे है ना। तो आप इसमें क्या करो, दो लंबाई निकाल लो, ये देख लो ए सी निकाल लिया, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, और तीनों का योग एक दूसरे के सम के बराबर हो गया तीसरे का योग। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ भाई बोले जल्दी से। यस सर हो गया। ओके अगला, चतुर समांतर चतुर्भुज का कैसे निकालते हैं एरिया? सीधा फॉर्मूला होता है ए गुणे बी का मॉड। तो दो भुजाएं दी हैं संलग्न भुजाएं, दोनों का गुणा करके मॉड निकाल दो, आंसर आ जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगला, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एक बटे दो गुणे दो संलग्न भुजाएं ए बी गुणे ए सी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, निकालना है ए बी गुणे ए सी, दो संलग्न भुजाएं बनानी है, तो ए बी बना लो, ए सी बना लो। ए बी कैसे बनाओगे बच्चों? ये दिया है ए, ये दिया है बी, तो इससे ए बी बन जाएगा, और ये दिया है ए और सी, तो इससे ए सी बन जाएगा, दोनों का गुणा कर दो उत्तर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बन जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, समतलीय है तो बच्चा समतलीय का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, अगर तीनों सदिश समतलीय हैं तो इनका क्या होता है, तीनों के गुणांकों का जो सारणिक होता है वो जीरो आता है, तो तीनों के गुणांक का सारणिक बना लो और सारणिक को जीरो के इक्वल कर दो, तो आंसर आ गया आपका ये समतलीय है। डन बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए तो कल मैं आपको कराऊंगा त्रिविमीय ज्यामिति, और बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर आप लोग जो है ये जो क्वेश्चन जो आज मैंने कराए हैं इनको पूरा पूरा कॉपी में कर लो, यकीन मानो आपके 25 से 30 नंबर का आपको फ़ायदा हो जाएगा अगर आप इतने कर लेते हो। एकदम बेसिक सवाल आते हैं आपके एग्ज़ाम में है ना, और अगर आप इसको कर लेते हो तो आपका 25 से 30 नंबर आज की क्लास से कहीं नहीं गए। ठीक है ना, तो इसको आज के आज कर लीजिए, कुछ ज़्यादा सवाल नहीं है, आपके सैम्पल पेपर के ही सवाल हैं, तो इनको अच्छे से कर लीजिए। ठीक है बच्चों, बाय। ठीक, क्लास ऑफ करते हैं, धन्यवाद।